यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपनी कर्मभूमि जालौन के कालपी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी पर हमला बोला और कहा कि 70 साल पूरा खानदान सत्ता में रहा, तब क्यों उन्होंने टैबलेट नहीं बांटे और इसे बांटने के लिए किसने रोका हुआ था। उन्होंने प्रियंका के 40% महिलाओं को टिकट और महिलाओं को लोक लुभावन ऑफर पर तंज कसते हुए यह बात कही। सपा के शासन आने के बाद राज्य के अंदर क्या होगा, यानी कोई सपा की ना आइडियोलॉजी है, ना उसका सिद्धांत है, ना नीति है, कुछ भी नहीं है। केवल एक ही धारणा है कि सपा को लोगों ने देखा है, बसपा को देखा है, और सरकार बनने के बाद रोडों पर गुंडागर्दी होती है। कोई भी बेटी सम्मान से निकल नहीं सकती है, न स्कूटी से निकल सकती है, न पैदल निकल सकती है। आज आदमी योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर 12 बजे रात को जाकर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन कर सकती है, कालपी में कर सकती है, उरई में कर सकती है। किसी मनचलो या किसी गुंडे की हैसियत नहीं है कि उस बेटी को छेड़ दे, और छेड़ेगा तो बच नहीं सकता, कोई बचा ही नहीं सकता है। इसलिए योगी शासन है, लोग ईमानदारी के नाम पर वोट देते हैं और नेतृत्व अच्छा है मेरे पास, और सपा बसपा कोई पार्टी का ट्रस्ट है,